अभी हम लोग खड़े हैं देवीडांगा में कंचनजंगा उद्धार केंद्र एनजीओ, जिन्होंने काफ़ी टाइम से वुमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और आज ये पहला शेल्टर होम इन्होंने बनाया है कंचनजंगा उद्धार केंद्र के तरफ से, जो वुमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है। और अभी हम बात करने चल रहे हैं कंचनजंगा उद्धार केंद्र के जो सेक्रेटरी है। मैम, ये जो आपने इतना अच्छा सेवामूलक काम कर रहे हैं, ये कब से आपने शुरू किया और इनके सेक्रेटरी कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? एक्चुअली 2004 से हम लोग ने शुरू किया, बिल्डिंग बनना नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन है कंचनजंगा उद्धार केंद्र, 2004 से हम लोग ने काम शुरू किया था एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट्स के ऊपर, जो बेस है प्रधान नगर में है। तो उसके बाद जब हम लोग ने काम करना शुरू किया तो मैक्सिमम लड़कियाँ जब हम लोग रेस्क्यू करते थे, तो रेस्क्यू करने के बाद एक प्रॉब्लम हम लोग ने फेस किया कि ये लड़कियों को हम लोग कहाँ रखेंगे, क्योंकि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक भी शेल्टर होम एडल्ट गर्ल्स के लिए नहीं है। जो बच्चे हैं, जो माइनर हुए हैं, जो 18 से नीचे का बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत होम है, लेकिन एडल्ट लड़कियों के लिए नहीं है। तो हम लोग को जब भी कभी पुणे से हो या मुंबई से हम लोग लड़कियों को लेके आते थे, या तो सिलगुड़ी से कहीं कुछ लड़कियों को हम लोग रेस्क्यू करते थे, तो हम लोग को यहाँ से लेके जाना होता है कुछ बिहार, जबकि यहाँ से डिस्टेंस है और हम लोग प्रॉपरली फॉलोअप करना हमारे लिए प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद जैसे कोर्ट में लेके आना, वहाँ जाओ, फिर कोर्ट के लिए लेके आओ, फिर यहाँ कोर्ट का काम खत्म हुआ, फिर लेके जाओ, ये सारा ट्रैवलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चली जाती थी और प्रॉपरली हम लोग फॉलोअप भी नहीं कर पाते थे। तो हम लोग ने फील किया कि एक शेल्टर होम होना ज़रूरी है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने या शुरू किया होता तो शायद हम लोग नहीं भी करते, उन्हीं को हम लोग दे देते, लेकिन नहीं है। और मेनली हम लोग रेस्क्यू के ऊपर काम करते हैं, तो ये सब सारे चीज़ें हम लोग ने ये देखा है कि कभी कभी रेस्क्यू होने के बाद फैमिली वालों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कभी गाँव वालों वजह से वो लोग लेना नहीं चाहते, तो ये लड़के को रखेंगे कहाँ, जिसकी वजह से बहुत नीड है ये। और जो आप जानते हो कि सिलीगुड़ी एक मैंने ट्रांजिट पॉइंट है, यहाँ से आपका नेपाल से हुआ, भूटान से हुआ, या तो नॉर्थ ईस्ट से हुआ, या कहीं से भी लड़कियों को लेके आके यहीं के जो रेड लाइट एरिया है खालपड़ा, वहाँ पे बेच देते हैं, या तो दिल्ली मुंबई कहीं पे भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम लोग ने इस काम को 2012 से शुरू किया था। तो लैक ऑफ फंड के वजह से जहाँ पे हेल्पिंग हैंड नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट का कोई फंडिंग नहीं है, तो हम लोग बाद में जाके फील किया कि यहाँ कोई बड़ा सा फंड आने वाला नहीं है, और अगर नहीं भी आएगा तो ये कंप्लीट भी नहीं होगा। और ऑलरेडी हम लोग इस फील्ड में काम करें तो एवरीडे हम लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो हम लोग ने सोचा कि नहीं, हम लोग इस बार क्या करेंगे, इंडिविजुअल डोनर को हम लोग अप्लाई करेंगे, उनको बोलेंगे और जो हमारे प्रॉब्लम है उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो फिर शायद इस हिसाब से हो सकता है। इसी ऐसे करके ये सब हुआ है, जितना भी अभी ये बिल्डिंग बन चुकी है, और अभी भी थोड़ा बहुत तो काम है, लेकिन जितना भी हेल्पिंग हैंड हम लोग को मिला है, पर्सनल डोनर मिला है, जिसकी वजह से काम आज ये। आपका नाम मैम? मेरा नाम रंगू सौरिया है और कंचनजंगा उद्धार केंद्र के फाउंडर सेक्रेटरी हूँ मैं। और आपके प्रेसिडेंट? कृष्ण लामा। अच्छा, अभी आपको जो यहाँ बेड दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारा, ये शेल्टर रूम के लिए है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इनको आपको किन्होंने मदद किया इस तरह इतने अच्छे कामों के लिए? एक्चुअली मैंने कई चैनल से हो या कहीं से भी इन लोग के साथ मेरा एक, मैंने किन के साथ, मैंने जो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संघ है ना, इन लोग के साथ एक मीटिंग भी हुई थी। तो हम लोग ने मीटिंग में जाके इन लोग के साथ डिस्कशन किया, बोला कि हमारी एक शेल्टर होम बन रही है, तो आप लोग का मदद की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे विजिट में आए, देखा, फिर उन्होंने बोला था कि ठीक है, हम लोग प्रॉमिस करते हैं कुछ ना कुछ आपको हेल्प करेंगे। तो उसके बाद फिर इन लोग के साथ मेरा रेगुलर टच में थी मैं, और एक प्रोग्राम भी हुआ था, उस प्रोग्राम में भी मैं गई थी, एक एग्जीबिशन हुआ था, उस एग्जीबिशन में मैं गई थी। तो जितना भी मारवाड़ी महिला संघ है, उनका मैंने ये बहुत बड़ा सपोर्टर है हम लोग, हमारे लिए ये बहुत बड़ा चीज़ आज हमें मिली है। तो जितना भी अभी यहाँ बेड आया है, डनलप आया हुआ है, पिलो है, इनका कवर है, मैंने एक पैकेज, फुल पैकेज है ये, तो जिसके लिए मैं इन जितना भी यहाँ महिलाएँ हैं इनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और मैं तहे दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। सचमुच में अगर लेडिया चाहे तो बहुत कुछ हो सकती है, आज इनके थ्रू से और भी प्रूव हुआ है। तो मैं इसी खुशी में मैं एक छोटा सा गिफ्ट इनका ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहती हूँ। इस बीच में मैं थोड़ा बात करूंगा अखिल भारतीय मेरी महिला समिति के जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट मिस कल्याणी जी से। हाँ मैम, किस तरह आपको पता चला और आप लोगों ने किस तरह उद्योग लिया आप इतने सारे बेडों का? एक्चुअली
ऐसे जनरली शॉप पे हम जाते हैं, तो आई जस्ट वेंट टू अ शॉप, क्रॉकरी शॉप. वहाँ हम गए तो भैया ने कहा कि भाभी आप इतने एनजीओ से जब रिलेटेड हो तो आपको एक बताना चाहते हूँ कि इस तरह से एक एनजीओ है जो लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं, जो सेक्स ट्रैफिकिंग हो रही है. एंड मतलब शी इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब एंड ऑब्वियसली शी इज़ आल्सो इनटू 100 टॉप मोस्ट एशिया लेडीज़. इनका नाम आपको मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह में. शी हैज़ वन लॉट ऑफ ब्रेवरी अवार्ड्स एंड ऑल. तो मैं जाके मैंने यूट्यूब में सर्च किया, मैंने कहा सिलीगुड़ी में हमारे पास इतनी अच्छी लेडी है जो काम कर रही है, एंड ओनली बिकॉज शी इज़ लैकिंग बिहाइंड, बिकॉज शी इज़ नॉट गेटिंग द हेल्प, प्रॉपर हेल्प नहीं मिल रहा है. तो हमने कहा कि अगर गवर्नमेंट से इतना हेल्प नहीं मिल रहा है तो वी विल थ्रो अ मैसेज टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन कि लेट अस कम फॉरवर्ड, एंड बिकॉज एक दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक भी शेल्टर होम नहीं है इन लड़कियों के लिए, तो लेट अस कम फॉरवर्ड एंड हम उसके लिए जितना हमसे बन पड़ेगा हम उनके लिए हेल्प करेंगे. आज आप लोग कितने बेड यहाँ डोनेट कर रहे हैं? वी आर डोनेटिंग टोटल 21 ट्विन बेड्स, इट इज टोटल 42. 42 मैट्रेस भी है, 42 ये हमारा पिलोज है, उसके साथ हमने पूरा बेडशीट्स एंड पिलोज वगैरह सब दिया. दैट इज़ अ फुल पैकेज ऑफ 42 बेड्स फॉर 42 गर्ल्स. तो वो हमने डोनेट किया है एंड उसका क्रेडिट हमारे सारे मेंबर्स को जाता है, बिकॉज हमने इसके लिए फंड रेजिंग किया था. हमने आघास के थ्रू फंड रेज एंड स्नो फेस्ट 2018-20 वो भी हमने अभी ऑर्गेनाइज किया था. तो ऑल दोज फंड वी हैव पुट इनटू दिस बेड. सो वी आर वेरी हैप्पी कि हमने इतना मेहनत किया है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हमने प्रॉमिस किया था इनको ठीक 6 महीने पहले और आज हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं. आगे भी कुछ प्लानिंग है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और हेल्प करने के लिए आप लोग का? ऑब्वियसली हम अब देखिए जब तक अभी हम लोग और फंड रेज, अभी हमारा जितना फंड रेज हमने इसमें लगा दिया है तो हम और फंड रेज करना चाहेंगे और हम और मदद करना चाहेंगे. और आप लोग जो महिला समिति आप लोग की मारवाड़ी महिला समिति, आप लोग इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं, अलग अलग संस्थाओं में डोनेट करते रहते हैं, तो मैम थोड़ा आप दिखाएंगे आपका शेल्टर रूम? हाँ, हम लोग अभी शेल्टर रूम की तरफ जा रहे हैं. अच्छा ये जो रहेगा ये रूम रहेगा, ये रिसेप्शन रूम रहेगा. अच्छा तो उसके बाद एक अंदर ये एक चैम्बर रहेगी. अभी भी आप लोग का अभी भी वर्किंग चल रहा है, प्रोग्रेस चल रहा है यहाँ पे. यहाँ पे एक चैम्बर रहेगी और ये होगा मैंने काउंसिलिंग रूम. अच्छा, जैसे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक भी काउंसिलर नहीं है, काउंसिलिंग रूम रहेगा ये. और इसके साथ हम लोग मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस भी हैंडल करते हैं. अच्छा. और जो लेडीज के ऊपर जितना भी क्राइम होते हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग काम करते हैं. सो हमारे लिए एक मैंने एडवोकेट लीगल रूम रहेगा ये यहाँ पे. और ये रहेगा स्टाफ रूम. और ये कॉन्फ्रेंस हॉल, जैसे कभी मीटिंग करना हुआ या कुछ भी गेट टूगेदर करना होगा उसके लिए ये है. और ये रहा आपका ऊपर वाला भाग, यहाँ से टोटली लड़कियों के लिए शेल्टर होंगे ये. किचन प्लस डाइनिंग हॉल यहीं पर रहेगी. और ये डॉर्मेट्री हॉल है, इसमें हम लोग बंक बेड लगाएंगे. और ये उनका सेल्फ मैंने वो रहेगा, लड़कियों का अपना अपना की रहेगा, एक लड़की का एक उसके लिए कपड़े वगैरह रखने के लिए. और ये एक रूम है, ये भी एक रूम है. तो ये जितना भी ऊपर वाला भाग है टोटली जो सर्वाइवर है उनके लिए ये रूम रखा गया है. आपका इसका ओपनिंग कब हो रहा है मैम? ओपनिंग डेट अभी हम लोग कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि और भी बाकी है काम. अभी जैसे इसको ग्लास लगाना है और नेट का वो एक चीज़ लगाना है, उसके बाद बहुत सारा चीज़ों की ज़रूरत है. तो थोड़ा बहुत कम्प्लीट हो जाएगा तो हो सकता है इसी महीने का 3-4 महीने के बाद हम लोग जितना जल्दी हो सके हम लोग शुरू करने के लिए रेडी है. ओके मैम, हमने देखा अभी कंचनजंगा उद्धार केंद्र की तरफ से इतना बड़ा एक उद्योग लिया गया है और इतने सुंदर एक शेल्टर होम पहली बार सिलीगुड़ी में देखने को मिल रहा है. इसके लिए इस उद्योग के लिए धन्यवाद देते हैं कंचनजंगा उद्धार केंद्र के सेक्रेटरी
मैंने जो जो डोनर हैं सभी डोनर, जैसे किसी ने टाइल्स दिया हुआ है, किसी ने मैंने कुछ दिया, किसी ने कलर दिया, किसी ने कुछ दिया, तो ये हमारे पास फंड था इसलिए हम लोग ने बनाया, कभी नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग एक डोनर के ऊपर डिपेंड हुआ, जो आज काम भी मैंने मैक्सिमम ऑलमोस्ट काम ख़त्म हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ बाकी है, जैसे बाहर जो बाथरूम वगैरह बन रही है, जैसे आज बनाते बनाते इसका ईट ख़त्म हो गया, तो दूसरा डोनर अभी ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, इसी वजह से लेट हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने किसी ने कोई चीज़ तो दे दिया, लेकिन उसके बाद फिर बजट में कभी कभार क्या होता है कि जैसे अभी 6,000 के ही बोला था, पहले 3,000 बोला था, अभी 6,000 लग रहा है, तो इस गैपिंग की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो अभी भी बहुत सारा काम है बाकी है, अभी पानी का बोरिंग एक मैंने किसी ने कर दिया है, लेकिन उसका जो पाइप वो कनेक्शन करके जो वाटर सप्लाई ऊपर से नीचे तक का करना है, ये सब सारी चीज़ें और भी बाकी है। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच।